बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सहर्स किचन। आज मैं आपको कोल्ड कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी। लास्ट टाइम भी किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो नहीं बना सकी, तो इस बार इसको बनाते हैं। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, 2 टेबलस्पून चीनी, याद रहे चीनी जो है कॉफ़ी के डबल लेना है आपने। 1 टीस्पून कोको पाउडर, अच्छी क्वालिटी का। 1 टीस्पून मिल्क पाउडर और 1 कप ठंडा दूध ले रही हूँ। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि बाद में जब इसको हम ब्लेंडर में डालें तो कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी जो है मैं नेस्ले वालों की यूज़ कर रही हूँ, पाउडर कॉफ़ी मत यूज़ करिएगा, दूसरी कॉफ़ी इसकी यूज़ करिएगा, उसी से बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। अब इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा हम पानी शामिल करके एक पेस्ट बना लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। तो पानी की क्वांटिटी 1 to 2 टेबलस्पून हो कि जिससे अच्छी तरह बस चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं। अगर ज़रूरत पड़ने पे तो आप इसको थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब को इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट बन गया। अब हम इसको दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब एक ब्लेंडर जार में सबसे पहले हम डाल रहे हैं आइस क्यूब्स। आइस क्यूब जो है 6 से 7 अदर डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे दूध, और इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया है वो शामिल कर देंगे। इस टाइम आप इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, वनीला आइसक्रीम, यानी ब्लेंड करते वक्त उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे इतनी देर ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए ब्लेंड हो गया, हमारी कॉफ़ी ज़बरदस्ती रेडी होगी। अब इसको हम ग्लास में निकाल लेते हैं। पहले ग्लास में आपने आइस क्यूब शामिल करनी है, ये ऑप्शनल है अगर आप ग्लास में नहीं डालना चाहते। इसके बाद इसमें हम कॉफ़ी शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा इसको आप खूबसूरत बनाते हैं तो गार्निश कर लेते हैं इसको। अब इसमें मैं वनीला आइसक्रीम शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, आप इसमें मत डालिए, लेकिन डालने से ये होगा कि टेस्ट वही बात है, अच्छा हो जाएगा मज़ीद। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चॉकलेट गार्निश करूँगी। आप इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। आप इस पे वेफर्स और कुछ भी इस तरह की चीज़ भी रख सकते हैं, चॉकलेट चिप्स वगैरह, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।